टीएम ड्यूक तो 250 है और ये आपका रनिंग 2000 160 देखने को मिलेगी। ये कब का है? ये 2022 का लास्ट का एंड का। अच्छा है, और बजट भी इतने से नेगोशिएबल है, हो जाएगा। ये 46,000 आपको पड़ेगा, मात्र 46,000। सर इस बाइक के बारे में, KTM Duke 200 है, ये 2023 का मॉडल है, मात्र 6 महीने के आसपास हो रहा है। RC 200 आपको देखने को मिलेगी, ये कब का मॉडल है? ये 2020 का मॉडल, BS6 वाला वेरिएंट है। Hey guys, welcome back to my channel, Pooja Vlog। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो जो होने वाली है सेकेंड हैंड स्पोर्ट्स बाइक की होने वाली है। वीडियो अगर रांची के व्हीलर डीलर की अगर शोरूम की बात की जाए तो ये पड़ता है रांची के रिंग रोड के दादादली चौक में। इसके अंदर मैं लेके जाऊंगी आपको, कलेक्शन दिखाऊंगी, ये भी बताऊंगी कि फाइनेंस में आपको बाइक मिलेगी कि नहीं, क्या पेपर लगेगा, क्या रनिंग है, सब कुछ बताऊंगी। अगर आप सेकेंड हैंड बाइक परचेस करना चाहते हो, रांची में ढूंढ रहे हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलेगी, आप मेरे वीडियो को एंजॉय करोगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी जाकर फॉलो कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ये सारा कलेक्शन आपको रांची में आपको दलादली के पास पड़ेगा। ये दलादली से जस्ट 500 मीटर आगे और एमएस धोनी का फार्म हाउस से जस्ट बीच में है, दोनों के बीच में है। दोनों का प्रॉपर लोकेशन आपको बता दिया गया, अगर आप रांची से हो तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, इनकेस कहीं और से आ लो तो कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा, आप कॉल करके डिटेल ले सकते हो। सर ये बताइए कि यहाँ पे फाइनेंस में भी गाड़ियाँ मिल जाती है? फाइनेंस पे मिलती है, पर अभी कुछ टाइम के लिए बंद है, तो अभी फरवरी के बाद हो सके चालू होगा। ओके, तो अभी मतलब अपलोड के बाद हो सकता है, आप एक बार कॉल कर लीजिएगा इनकेस अगर आपको फाइनेंस में चाहिए तो। चलिए आपको स्पोर्ट्स बाइक दिखाते हैं। सबसे पहले आपको रेड एंड ब्लैक कलर की अपाची RR 310 देखने को मिलेगी, जो की बहुत ही फर्स्ट क्लास कंडीशन में। कब का मॉडल होगा सर? 2018 का मॉडल है। 18 का मॉडल है, क्या रनिंग होगी इसकी? 36,000 चला हुआ। ऑनर फर्स्ट होगा, फर्स्ट ऑनर। क्या बजट में आएगी सर? ये आपको 1,45,000 पड़ेगा। 1,45,000 इसका बजट है, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। अभी देखते हैं 200 RC 200 आपको देखने को मिलेगी, ये कब का मॉडल है? ये 2020 का मॉडल, BS6 वाला वेरिएंट है। क्या बजट में आएगा सर ये? आपको 1,65,000 पड़ेगा। 1,65,000 ये बाइक के बारे में बताइए। ये R15 V3 है। ओके, ये और ये आपका 2021 मॉडल है और चला हुआ है, मात्र आपको वही 15,000 के आसपास है। क्या बजट में आएगा ये? 1,35,000 पड़ेगा। 1,35,000 इसके बारे में बताइए। ये बजाज का पल्सर F250 है, 2022 का मॉडल है, 11,000 मात्र यूज किया हुआ है और 1,20,000 इसका प्राइस है। 1,20,000 इसका बजट है और मॉडल 20 का है। अगर आपको ये वाला चाहिए तो अभी कांटेक्ट करके आप ले सकते हो और इसे टेस्ट ड्राइव करके ये बाइक अपना बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ पल्सर NS 200 भी देखने को मिलेगा, ये कब का मॉडल है? ये आपको 2019 लास्ट मॉडल, 2019 का लास्ट का है। क्या बजट में आएगा सर ये? आपको 1,10,000 पड़ेगा। यहाँ पे जनरली गाड़ियाँ जो होती है वो रांची रजिस्टर नंबर प्लेट के साथ और फर्स्ट ऑनर आती है, तो मैं सबका नहीं पूछ रही हूँ, आपको जो बाइक चाहिए आप इंक्वायरी ले सकते हो। अगली जो बाइक देखने को मिलेगी पल्सर N160 देखने को मिलेगी, ये कब का है? ये 2022 का लास्ट का एंड का। इसका क्या बजट है? ये बजट आपको 1,28,000 पड़ेगा और मात्र 20,000 चला हुआ है, यानी रनिंग बहुत कम चला है। अगर आप ये वाला पल्सर N160 ढूंढ रहे हो तो रनिंग कम है, कंडीशन बहुत अच्छा है और बजट फिक्स नहीं सर, नेगोशिएबल है, हो जाएगा। सर इस बाइक के बारे में बताइए। KTM Duke 200 है, ये 2023 का मॉडल है, मात्र 6 महीने के आसपास हो रहा है। 6 महीना का ही है जी। क्या बजट में आएगा ये सर? आपको 2,20,000 पड़ेगा। 2,20,000 इसका बजट है, क्योंकि बाइक जो है मात्र 6 महीने का है, फुल कंडीशन में और बहुत कम चला, मात्र 4,000 यूज किया यूज किया हुआ है, मात्र 4,000। तो अगर आप ढूंढ रहे हो तो और ये इसका हेडलाइट भी आपको 390 का मॉडल वाला दिया है, न्यू मॉडल है। न्यू मॉडल में इसका हेडलाइट वगैरह आपको मिलेगा। ये बाइक के बारे में बताइए। ड्यूक 250 है, KTM ड्यूक 250 है और ये आपका रनिंग 2,000 के क्या बजट में ये आएगा? ये आपको 2,65,000 पड़ेगा। 2,65,000 ये बाइक के बारे में बताइए। ये हस्क वरना है, 250 है,
और ये आपको 61,000, 1,00,000 65,000 इसका बजट है। अगर आपको लेना है तो इसमें भी हो जाएगा कुछ प्राइस। अपाची RTR 164B में है, ये कब का मॉडल है? ये 2021 का मॉडल है, ये भी BS6 का वेरिएंट है। और इसका क्या बजट होगा? ये आपको 96 पड़ेगा। 96,000। इस बाइक के बारे बताइए सर। ये बजाज का पल्सर 220 है, 2019 का मॉडल है, और ये आपको प्राइस पड़ेगा 78 पड़ेगा। 2019 का मॉडल है, 78,000 इसका बजट है, और इसमें भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं RS 200, ये भी आपको मिल जाएगा। ये कब का मॉडल होगा सर? ये 2019 का लास्ट का मॉडल है। ओके। और ये आपको 1,35,000 में मिलेगा। 1,35,000 इसका बजट है और 19 लास्ट का मॉडल है, कंडीशन में आपको ये बाइक मिलेगी। RS 200 भी है, इसके बारे बताइए। ये आपको 2021 का BS6 वाला वेरियंट है और ये आपको 1,38,000 में पड़ेगा। ये BS6 में आप में से बहुत लोगों का DM आया था कि BS6 में दिखाइए, तो ये वाला अवेलेबल है अभी। और 1,38,000 इसका बजट है और इसमें भी आपका जो है कुछ डिस्काउंट हो जाएगा। कुछ और बाइक है, चलिए देखते हैं सर। फेजर के बारे बताइए। ये आपको 2014 का मॉडल है, ये 46,000 आपको पड़ेगा। मात्र 46,000। इसका बजट बहुत कम है और फुल कंडीशन में। 2014 का मॉडल है, अगर आपका मन है तो आप इसको भी ले सकते हैं। चलिए अगली बाइक देखते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा एक्स ब्लेड, ये कब का है? ये 2021 का लास्ट का मॉडल है। 21 लास्ट का, क्या रनिंग होगा सर इसका? ये 17,000 चला हुआ है। 17,000, क्या बजट में आएगा? 82,000, 82,000 में आपको ये वाला मिल जाएगा। अब बाजी RTR 164B में ये कलर कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है, ये कब का है? ये 2019 का मॉडल है। 19 का है, क्या बजट में आएगा? ये 72,000 आपको पड़ेगा। 72,000 इसका बजट है और ये भी फिक्स नहीं, नेगोशिएबल है। अब आपको पल्सर NS 160 भी देखने को मिलेगा, रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन में बहुत खूबसूरत लग रहा है। कब का मॉडल है ये? 2019 का एंड का है। 19 का है, क्या बजट में आएगा सर? ये आपको 82,000 पड़ेगा। 82,000 में इसका बजट रखा गया है और इसमें भी आपका डिस्काउंट हो जाएगा। सर ये बताइए ट्रांसफर चार्जेस वगैरह कितना? ट्रांसफर चार्ज में आपको 3,000 रुपए लगेगा। कितना दिन में ट्रांसफर हो जाता है? 3 महीना लगता है। 3 महीना, क्या पेपर लेकर आने पे बाइक मिल जाएगा? आधार कार्ड और अपना फोटो लेके आइएगा, गाड़ी मिल जाएगा आपको। आधार कार्ड और फोटो लेकर आएगा तो आपको बाइक मिल जाएगी। सर एज लिमिट भी है क्या? नहीं, एज लिमिट 18 से ऊपर, 18 से ऊपर। 18 से ऊपर होगा तो आप यहाँ से बाइक परचेज कर सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले।